हमें किसकी रिडक्शन करनी है, एल्डिहाइड और कीटोन्स की। अगर एक बात सुन, एल्डिहाइड क्या होता है, जब लास्ट के अंदर कार्बोनियल ग्रुप ओसीडोल बोंडो ग्रुप को ये उसमें बताते हैं, इसकी रिडक्शन करेगा तो अल्कोहल बनेगा। सिमिलरली कीटोन की रिडक्शन करेगा तो ये बनेगा। लेकिन कीटोन की रिडक्शन करने से देख, फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन इस जिस कार्बन से जुड़ा उसके पास कितने दो है ना, जिसको हम क्या बोलेंगे, सेकेंडरी अल्कोहल। जितने वो एच ग्रुप कितने कार्बन जुड़े हैं, हाँ, वो सेकेंडरी बाय रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर, कार्बोक्सिलिक एसिड की और एस्टर की। अब कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है, RCOOH, इसकी रिडक्शन करेगा तो क्या होगा, देख कार्बोक्सिलिक एसिड से अल्कोहल बन रहा है तो क्या हो रहा है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, तो क्या हो जाएगी, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, और ये दोनों कंडीशन होती है रिडक्शन की, रिडक्शन हो जाएगी। और इसमें एक बात और याद रखियो, हम इसको बहुत तरीकों से बना सकते हैं। अब कार्बोक्सिलिक एसिड से एस्टर बनाना जानते हैं, कोई भी अल्कोहल डाल दो तो ये इसका OH एसिड देगा, H2O बार RCOR एस्टर बन जाएगा। इसके अंदर हाइड्रोजन डालोगे तो क्या होगा, एस्टर का क्या होता है, एस्टर का अगर फॉर्मूला लिखेगा तो क्या होगा, एस्टर RC डबल बॉन्ड OR- यही होगा। इसके अंदर जब हाइड्रोजन डालेगा तो क्या होगा, यहाँ पे इस पर ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, इस पर नेगेटिव चार्ज और इस पर पॉजिटिव चार्ज, इस पर नेगेटिव चार्ज, इस पर पॉजिटिव चार्ज, यही होगा ना, समझे ना ये चीज़। तो एक ये बन जाएगा RCH2OH, एक ये बन जाएगा, एक यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाएगा ROH, एक इस पर बन जाएगा RCH2OH, एक R-OH। तो मतलब एस्टर से तो हम दो वैरायटी के क्या बना सकते हैं, अल्कोहल बना सकते हैं। वैरायटी सेम भी बन सकती है, कब, मान ले ये होता CH3COOC2H5, तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा CH3CH2OH, ये बन जाएगा C2H5OH। बात तो सेम ही पड़ी ना, उस केस में सेम अल्कोहल होगी। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होते हैं, RMGX, यहाँ पे R अल्काइल ग्रुप हो सकता है एरोमेटिक ग्रुप हो, MG, या मैंने X3 लिखा, यहाँ पे कोई भी हेलोजन हो सकता है। R पे नेगेटिव चार्ज होता है, MGX पे पॉजिटिव चार्ज होता है, MGX पे क्या चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। इसमें ध्यान से देख, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पे R पे नेगेटिव है, और जो भी कार्बोनियल ग्रुप है, याद रखियो कार्बोनियल ग्रुप के अंदर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रो नेगेटिव होता है, ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रो नेगेटिव होता है, जो इलेक्ट्रो नेगेटिव होता है अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट, हाँ, लेता है। तो इस पर नेगेटिव पार्शियल नेगेटिव, इस पर पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा और यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा, यही होगा ना। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएगा, यही हुआ एग्जैक्टली। तो यहाँ वाला इलेक्ट्रॉन बच्चे यहाँ पे आ गया। तो इस पर ध्यान से देख, तो ये चीज़ बन जाएगी नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव इस पॉजिटिव पे अटैक करेगा, ये वाला नेगेटिव इस पर, तो क्या बन जाएगा, सी के साथ कौन आएगा, आर, दो ग्रुप पहले थे, और ओ के साथ क्या आएगा, MGX, ये चीज़ बन गई। अब जैसे हम इसमें पानी डालेंगे ना, पानी, पानी का फॉर्मूला क्या होता है, H+ OH नेगेटिव। अब O पे क्या है, नेगेटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव यहाँ पे आ जाएगा, और MG पे पॉजिटिव चार्ज है, OH इसके साथ आ जाएगा। आ गया समझ में आ गया, तो ये चीज़ बन जाएगी। अब ये सिंगल सीधा भी बना सकते हैं, जैसे सीधा सिंगल बॉन्ड बन गया, वो यहाँ पे देख पांच बॉन्ड हो रहा है, पांच बॉन्ड होते नहीं, सिंगल ही बॉन्ड होएगा, यहाँ पे ये बनेगा, सिंगली बॉन्ड बनेगा हमेशा। और एक क्वेश्चन ये आता है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को ना हम कभी भी हमेशा वाटर प्रूफ कंटेनर में स्टोर करके रखते हैं, किसको, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को किस में स्टोर करके रखते हैं, हाँ, वाटर प्रूफ कंटेनर में, क्योंकि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पानी से रिएक्ट कर जाता है और ये कॉम्प्लेक्स बना लेता है, ठीक है। और हमने अगर ये बात समझ में आ गई, ठीक है, सिमिलरली कोई भी यहाँ पे कंपाउंड ले लो, इथेनॉल ले ले, तो प्रोपेन टू, एक कार्बन बढ़ के बन रहा है, प्रोपेनॉल लेगा तो 2-methyl, तो हमेशा एक कार्बन क्या होगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के इसमें कार्बन बढ़ता जाएगा, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन होगी ये। आगे आपका आगे मिथाइन वाला, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में एक जो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, RMGX फॉर्मूला होता है ना ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का, RMGX होता है, जैसे कि यहाँ पे CH3MGBR है,
इस पे नेगेटिव होगा, इस पे पॉजिटिव होगा, ठीक है। नाइट्रस एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, HNO2। नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला होता है HNO3। तो मैं तो नाइट्रस बोले है, नाइट्रस HNO2, कोई बात नहीं। C2H5NH2, तो यहाँ अगर NN सिंगल है तो आपस में N2 बन जाएगी, क्या बच गया C2H5 ये वाला OH, और साथ में पानी क्या हो जाएगा बाहर। ये हमने करी थी अल्कोहल की प्रिपेशंस, हम किसकी प्रिपेशंस करेंगे, फिनोल्स की प्रिपेशन। किसकी प्रिपेशन, फिनोल्स की प्रिपेशन करेंगे। फिनोल्स की प्रिपेशन फिनोल की करी थी वो।